कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीते दिनों बीजेपी सरकार पर पाठ्यक्रम में इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। चलिए सबसे पहले आपको सुरजेवाला की प्रेस नोट पढ़ाते हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में 9वीं कक्षा में इतिहास के पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ कर रहे हैं और हरियाणा के छात्रों को आज़ादी के आंदोलन का गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम का घोर अपमान है, इसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुरजेवाला ने कहा कि अपनी सच्चाई को झुठलाने के लिए पूरे इतिहास को ही गलत बताना भाजपा आरएसएस का एजेंडा रहा है। अब 9वीं कक्षा की पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को दरकिनार कर व मनगढ़ंत बातें लिखकर करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों समेत महात्मा गांधी व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अपमान किया गया है, इसके लिए सरकार लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं सुरजेवाला के इस बयान पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास एक घटित हुई घटना है, न कि कोई बयानबाजी। उन्होंने कहा कि इतिहास इतिहास होता है और सबक देने के लिए होता है। जो इतिहास है, एक मिनट, जो इतिहास है इतिहास को आप बदल नहीं सकते। इतिहास घटी हुई घटना है, ना कि कोई बयानबाजी है। अब सुरजेवाला जी मुझे ये बता दें कि जो विभाजन होया उस टाइम सरकार कौन सी थी, किसकी सरकार थी, किस सरकार ने उसको स्वीकार किया था। जिस सरकार ने स्वीकार किया उसी के जिम्मेदार लगेंगे। ये इतिहास है, लेकिन उसी इतिहास में ये बात भी तो पढ़ाई जा रही कि 562 रियासतों का विलय उस समय के गृह मंत्री, उस समय के उप प्रधानमंत्री ने किया और बिना खून का एक कतरा बहे, जो कि दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं है, तो उसकी तारीफ भी तो की गई। जो घटनाएं वो सच्ची होनी चाहिए और इतिहास सच्चा होना चाहिए। इतिहास सबक सीखने के लिए होता है। अगर कहीं पहले हमारे से कोई गलती, तो आने वाली नस्ल को वैसी गलती ना हो उसे शिक्षा लेनी चाहिए। इतिहास इसलिए होता है, ना कि किसी की प्रशंसा के लिए। वो बयानबाजी है, इतिहास से संबंधित कोई बात नहीं है। वो उनकी अपनी बयानबाजी है, उनको तो वीर सावरकर से भी दिक्कत है। ऐसा महापुरुष जिसको 2 जन्म का कारावास होया, ऐसा महापुरुष जिसने 11 साल तक, अभी कोई सा जाएगा एक सप्ताह लगाएगा देख ले वहाँ, लेकिन उन्हें उस पर एतराज है। वो एक अलग, उनका अलग विचार है, भगत सिंह जी का अलग विचार है, चंद्रशेखर जी का और भगत सिंह जी का अलग विचार है, गांधी जी का अलग विचार है, लेकिन हमारे लिए सारे महापुरुष हैं, क्योंकि सबने हमारे लिए काम किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुरजेवाला को हर बात से दिक्कत है, उन्हें वीर सावरकर से भी दिक्कत है जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। गुर्जर ने कहा कि सुरजेवाला की कोई बात इतिहास से संबंधित नहीं है, बल्कि सिर्फ बयानबाजी है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।